अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या हालचाल है आप सब लोगों का? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज ये मैं बना रही हूँ आलू चिकन का सालन, वो भी शोरबे वाला। तो सबसे पहले मैंने ये ओनियन और लहसुन को मैंने लाइट ब्राउन सा किया है। और उसके बाद मैंने ये 1 टेबल स्पून साबुत गर्म मसाला ले लिया और मैंने इसको मिक्स किया है। और कुछ सेकेंड्स के लिए मैं इसको इसके साथ फ्राई करूँगी, कुछ सेकंड्स के लिए, क्योंकि आपको पता है कि ये बहुत जल्दी ब्लैक होना शुरू हो जाता है। तो बस इसको मैं कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करूँगी जस्ट। तो देन फिर मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी। तो ये मैंने चिकन ऐड कर दिया है, ये बोन्स वाला चिकन है तो बोनलेस नहीं है। मोस्टली तो मैं बोनलेस बनाती हूँ, बट आज मैंने ये बोन्स वाला बनाया था और मैं इसको कुछ मिनट्स के लिए भून लूँगी जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो फ्रोज़न चिकन है ये, तो ये खुद ही स्टीम में ही थोड़ा सा सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। तो ये अब देखें, ये देखें, अब बिल्कुल अब ये सेपरेट हो गया अलहदा अलहदा। तो इसके पीसेस, तो मैंने अब इसमें टोमेटोज ऐड कर दिए हैं, 2 टमाटर लिए थे मैंने, और ये अदरक भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये मैंने मोटा मोटा चॉप किया है देसी चॉपर में, आप इसको चॉपर में भी कर सकते हैं। तो ये अब मैं इसको इसमें मैं दही ऐड कर दूंगी, योगर्ट आपकी चॉइस है, आप इसको ज़्यादा टमाटर भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अगर आपने योगर्ट डालना है तो आपकी चॉइस है। तो इसको इसके साथ इसका इतना अच्छा फ्लेवर हो जाता है, बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। और अब ये मैं स्पाइसेस डाल दूँगी, नमक, रेड चिली पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप डाल लीजिएगा। ये मैंने 1 टेबल स्पून के बराबर डाली और ये 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर डाला है। और ये थोड़ा सा मैं ये खुश्क धनिया, साबुत खुश्क धनिया डालूंगी इसको हाथों की मदद से मसल के, हाथों से आपने क्रश कर लेना है हल्का सा, और इससे भी इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और कवर कर दूंगी इसको मैं, और ये इससे पहले कि इसको मैं कवर करूं तो ये मैंने आलू भी इसको डाल दिए हैं कि आलू भी इसमें गल जाएं। आलू जो है मैंने क्यूब्स की शक्ल में डाले हैं, ज़्यादा मैंने इनका साइज़ मैंने ज़्यादा बढ़ा नहीं रखा। तो बस अब मैं इसको कवर करके पकाऊंगी, चिकन भी गल जाएगा और आलू भी। तो अब मैं चेक कर लेती हूँ। तो ये देखें, ये देखें, अब ये अच्छे से भून गए हैं। तो इसको मैं, ये इसका मसाला जब तक अच्छे से नहीं भून जाता, क्योंकि इसमें अभी ये जो प्याज वगैरह और टमाटर जो हैं वो साबुत साबुत नज़र आ रहे हैं, तो आपको पता है कि ये बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। तो ये इनको मैं अच्छे से भूनने तक, मैं इसके गलने तक अच्छे से मैं फ्राई करूंगी। और ये देखें, अब ये ऑयल भी इसका सेपरेट हो गया और कितने अच्छे से ये भुन गए हैं और मसाला भी रेडी हो गया। तो ये देखें, आपको ऑयल नज़र आ रहा होगा कि बिल्कुल सेपरेट होना शुरू हो गया। तो अब इस स्टेज पे पानी ऐड कर देंगे, जितनी आपनी ग्रेवी रखनी है, शोरबा रखना है, जितना भी पतला या जितनी आपको चाहिए। तो बस मैं इतना ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा पतला भी नहीं करना, नॉर्मल करना है। तो अब मैं इसको कवर कर दूँगी इसके बॉयल आने तक। तो ये देखें, बॉयल आना शुरू हो गया और तकरीबन ये डन है। अब इसमें मैं ये पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दूँगी और फ्रेश कोरिएंडर डाल के तो मैं दम पे लगा दूंगी 5 मिनट के लिए, ताकि ये गरम मसाले का और धनिए का फ्लेवर अच्छे से आ जाए। तो ये देखिए, अब दम मैंने खोल लिया। तो ये देखिए, अब कितने मज़ेदार सा ये आलू चिकन का शोरबे वाला सालन रेडी है। आप इसको चावलों, नान, रोटी जिसके साथ चाहें सर्व करें।
तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें चैनल को. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. ओके, अल्लाह हाफिज़.